हेलो दोस्तों पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि दोस्तों फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे तो दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को पता भी चल गया है कि आप लोगों का रिजल्ट 18 तारीख़ के आसपास आने की पूरी संभावना है जैसा कि दोस्तों मैंने भोपाल के अधिकारियों से बात की इसमें फर्स्ट ईयर के मतलब फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड ईयर थर्ड फोर्थ का रिजल्ट आ जाएगा अब दोस्तों बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि उसमें हमारी लेटरेंटी आ, से तारीख निकल जाएगी क्योंकि दोस्तों आप लोगों का यदि बैक वाला कोई पेपर है तो उसमें आर जी पी डिप्लोमा कुछ नहीं कर सकता जैसे मान लो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी नहीं होता तब फिर उसकी डेट बढ़ा दी जाती क्योंकि फाइनल ईयर का रिजल्ट निकल गया है और कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका रिज़ल्ट बिथहेल्ड है तो वो आप प्राचार महोदय के माध्यम से सेक्रेटरी को लेटर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भोपाल प्राचार्य महोदय से फॉरवर्ड करवा के भोपाल पहुंच जाएं तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा लेकिन दोस्तों जो बैक पेपर है उसके लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके कारण आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका बैक पेपर है तो आपको मे भी हो सकता है नुकसान उठाना पड़ सकता है या हो सकता है आपका अगर पंद्रह तारीख के पहले आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन दोस्तों तीन तारीख को मेरी बात हुई थी और अराउंड फिफ्टीन डेज़ का उन्होंने बोला था तो अगर अपन पंद्रह दिन जोड़ लें तो अठारह तारीख के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो दोस्तों आ, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा नुकसान हो जाए अब ये डिपेंड करता है दोस्तों आज ही डिप्लोमा के ऊपर और वैसे यदि आप पेपर निकाल लेते निश्चित तो निश्चित तौर पर आपका लेटर एंट्री के माध्यम से एडमिशन हो जाता दोस्तों बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट का भी जवाब दूंगा साथ ही साथ दोस्तों आप लगातार अपने दोस्तों को ये पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के बारे में ज़रूर बताएं जिन्होंने नया प्रवेश लिया है फ़र्स्ट ईयर में ताकि हर एक विद्यार्थी की जो भी समस्या होगी वो इस चैनल के माध्यम से समस्या का हल किया जाएगा और दोस्तों अब हम देख लेते हैं आप लोगों के एक जो जो समस्या है उनकी बारे में मैं बताऊंगा जैसे दोस्तों ये कमेंट है सर अगर कोई स्टूडेंट ने प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया है तो वो स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ सकता है हाँ तो इसमें कोई वो नहीं है आप लोग आ सकते हैं प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो क्योंकि आर भी डिप्लोमा की से एफिलेटेड कॉलेज ही रहते हैं प्राइवेट कॉलेज और उन्हीं के पेपर भी आते हैं तो आप आ सकते हैं यदि आप पास आउट हैं तो आ, सर सेमेस्टर बैक है तो क्या उसकी फ़ीस डबल से भरनी भराई जाएगी जबकि थर्ड ईयर का फीस कंप्लीट हो गया है तो ओनली फिफ्थ सेमेस्टर का बैक है तो बैक पेपर में आपकी फ़ीस नहीं भराई जाएगी लेकिन दोस्तों जो भी आपके पेपर हैं उसकी फीस आपको भरना होगी क्योंकि आप ऑलरेडी फ़ीस दे चुके हैं और रेगुलर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपकी जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो नहीं लगेगी सर उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्लास में कौन सी भाषा में पढ़ाया जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाता है और अधिकतर ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर किस लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहा है वैसे आप हिंदी में भी डिप्लोमा कर सकते हैं इंग्लिश में भी और अधिकतर किस भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड है मेरे हिसाब से तो अधिकांश टीचर हिंदी का ज़्यादा उपयोग करते हैं कुछ लोग इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं अब हम देख लेते हैं दोस्तों और कमेंट यहाँ पर सर लेटरटी का कॉलेज पंद्रह तारीख को क्लोज हो जाएगा और मेरा बस एक सब्जेक्ट बैक है फोर्थ सेम का अगर पंद्रह के बाद आएगा रिजल्ट तो हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो पंद्रह के पहले पॉसिबल नहीं है रिजल्ट इसके लिए तो दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते हैं यदि आपको पंद्रह के पहले लेना है या कुछ है तो आप भोपाल में जाके प्रिंसिपल को एक आवेदन लिखे हैं तो वो फॉरवर्ड करा के वहाँ राजीव गांधी विश्वविद्यालय में चले जाए कुछ स्पेशल केस हो तो वो करेंगे नहीं तो जब पूरा इकट्ठा रिजल्ट जारी होता है तभी राजीव गांधी विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है क्योंकि इंडिविजुअल बहुत से विद्यार्थी हैं किसी का कितने विद्यार्थियों का वो करेंगे सर जब कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेकर छोड़ देता है और एनरोल मैंट का फॉर्म नहीं डालता है स्कॉलरशिप का नहीं डालता है तो क्या उसे टीसी के लिए फ़ीस भरनी पड़ेगी और वह एस सी कैंडिडेट है तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक सीट किस ले ली है और आपने ना तो आपने क्लास अटेंड की है ना एनरोलमेंट फॉर्म भरा है तो इसमें एक विद्यार्थी जो आपकी वजह से वंचित हो गया एडमिशन लेने से तो उसके कारण दोस्तों आपने तो कुछ किया नहीं लेकिन दूसरे विद्यार्थी को भी आपकी वजह से एडमिशन नहीं मिला है तो टीसी लेते समय आपको फीस भरना पड़ेगी क्योंकि एक सीट आपने रिजर्व रख ली साल भर के लिए और फिर आप टीसी लेने आएंगे तो नियम के हिसाब से आपको फीस भरना पड़ेगी भले आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हो भरा हो या ना भरा हो क्योंकि आपने एडमिशन भी कैंसिल नहीं कराया जब आपने एडमिशन लिया था तभी आप तुरंत कैंसिल कराते तो आपको फीस जमा नहीं करवाना पड़ती सर अगर कोई स्टूडेंट ने प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया है तो वो स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ सकता है ज़रूर आ सकता है आप देख लेते हैं सर बी में सी ख़त्म होगी तो आ, सी एल सी के सी ख़त्म होगी तब तक अब क्या करें सर पूछना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आया सर मैं फिफ्थ सेम में एक्स स्टूडेंट था और सिक्स सेम में रेगुलर था सिक्स सेम का मेरा क्लियर हो चुका है और अब मुझे फिफ्थ सेम में ए के सिलेबस में पढ़ना है चूँकि इसका मैंने कमेंट पढ़ा है तो जो भी फिफ्थ सेमेस्टर में यदि प्रोजेक्ट होगा तो आपको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा एज पर न्यू रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से फिफ्थ में जो भी हो चाहे प्रोजेक्ट हो या आपके जो भी सब्जेक्ट हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको उसे पास करना होगा पंद्रह दिन बाद सेशनल टेस्ट होंगे तो ब्रांच चेंज कैसे होगी ब्रांच चेंज तो दोस्तों हो जाएगी और नंबर भी अब अभी तो टेस्ट नहीं होंगे सेशनल टेस्ट तो बाद में होंगे अभी तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो आप लोग थोड़ा धीरज रखें पंद्रह दिन बाद ही रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का आज पंद्रह दिन बाद सीजनल सीजनल टेस्ट होंगी तो तो दोस्त तो दोस्तों तो तो ये आप लोगों के कमेंट थे जिनका मैंने जवाब दे दिया वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लाइक करें अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग